सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं एक हैम्पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक छोटी लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट की है ये बनाने के लिए कि वो अपने बर्थडे मतलब फ्रेंड के बर्थडे में जा रही है, तो उसको छोटा सा गिफ्ट लेके जाना था। तो मैं सोची छोटा क्या बना कर दे दूँ, तो मैंने सोचा एक हैम्पर बनाती, जैसे लोगों के घर में गिफ्ट रैपिंग का हैम्पर जाता है वैसे बनाने की कोशिश की है। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसको ऐसे शेप में कट किया और फिर चारों साइड से पिंक पेपर लगा के, पीछे भी पिंक पेपर ही लगाना था पर मैं सोची थोड़ा सा कलरफुल करते, रेनबो कलर करूँगी ऐसे सोचा। तो कर रही थी, करते करते फिर मैंने सोचा नहीं बस इतना ही करूँगी। फिर मैंने रेड ग्रीन पिंक कलर किया और उसके बाद में ब्लैक कलर का ऐसे पूरा साइड साइड में कर दिया। और फिर ये स्टिकर थे मेरे पास हार्ट शेप के, तो दो तीन स्टिकर यहाँ पे लगा दिए, ऑरेंज ग्रीन ब्लू पिंक। और इसके बाद में मैंने उसको ब्लैक से लाइन बना दी कि वो ऐसे दिखे कि वो बलून है जो ऊपर उड़ रहे हैं इस टाइप के। और फिर उसके बाद में ये मेरे पास स्टिक पड़ा हुआ था, स्टिक जो कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं तो उसके साथ मिलता है ना, वो स्टिक है मेरे पास ये, तो उसको लगाया ग्लू गन से। और ये ऊन लगाया था सामने रस्सी के तरह, मैंने सोचा था इसके ऊपर मैं कुछ लटकाऊंगी तो अच्छा दिखेगा, तो इसके बारे में तो बाद में सोचूंगी, पर पहले मैं चलो बटरफ्लाई बना लेती हूँ। ये देखो कागज़ का बटरफ्लाई बना रही हूँ मैं, ये देखिए ऐसे फोल्ड करके बहुत आसान है, एक मिनट में बन जाता है, एक मिनट भी नहीं लगता, एक सेकंड में बनता है। स्क्वायर शेप में काटना है उसको और उसके बाद में उसको शेप देके, ये देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का बटरफ्लाई बनाया और ऐसे मैं ग्रीन और येलो कलर का बटरफ्लाई बनाऊंगी, ऐसे छह बनाऊंगी मैं छोटे बड़े, तीन ये ग्रीन कलर तीन येलो कलर बनाया है। और इसको उधर साइड साइड में लगाएंगे, ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठी हुई है। ये देखिए ग्रीन साइड साइड में और येलो बीच में, वैसे वहाँ पे दो येलो साइड साइड में और ग्रीन बीच में ऐसे करेंगे। और ये देखिए बन गया। और ये मैंने बो लगाया है सामने, पहले बो बना रही हूँ मैं लेस लेके, छोटे बो बनाएंगे ज़्यादा बड़े नहीं। ये देखिए ये देखिए बो बनाने के बाद में दो बो बनाना है साइड साइड में लगाने के लिए, ये मैं काट रही हूँ कट ही नहीं रहा था, फिर कट गया। उसके बाद में फिर मैंने इसको लगा दिया दोनों को, ग्लू गन से चिपकाया। मैं बार बार जगह चेंज कर रही हूँ गाइस, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मतलब समझने में। ये देखिए यहाँ पे एक बो लगा दिया और उसके साइड में एक बो लगा दिया। मैंने सोचा कि बीच में ऊन के साथ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या करूँ, अगर मैं वहाँ पे लगाती तो अंदर का चीज़ नहीं दिखता। ये देखिए मैंने स्टिकर लगा दिया एक फ्लावर का और ये हैप्पी बर्थडे बनाया था मैंने पहले लिख के कलरफुल, देखिए अच्छा दिख रहा है, पीछे रेनबो आ गया हैप्पी बर्थडे रेनबो कलर में। और ये थोड़े जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, चॉकलेट सेलो टेप खेलने की छोटी चीज़ें, शॉर्पनर और स्टैम्प, ये देखो मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। ये अभी मैं इसको अंदर सजा देती हूँ सब, फिर ये अच्छा दिखेगा। ये देखिए ये फाइनल लुक है इसका पूरा। मैंने इसमें लाइट लगाने का भी सोचा पर लाइट लगाने से बहुत ज़्यादा दिखता, बहुत ओवर दिखता गाइस प्लीज़।